यूक्रेन से भारत पहुंचकर बोला बुलंदशहर निवासी एमबीबीएस का भारतीय छात्र मोहम्मद जैद, मैं और मेरा परिवार भारत सरकार का शुक्रगुजार है, मैं सुरक्षित घर लौटा। छात्रों को भारत लाने में भारतीय एम्बेसी बहुत अहम भूमिका अदा कर रही है। 3 महीने पहले एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया था बुलंदशहर निवासी मोहम्मद जैद। बिगड़ते हालातों के बीच भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत वापस भारत लाया गया है मोहम्मद जैद। बुलंदशहर के चंद्रावली गांव का मूल निवासी है मोहम्मद जैद। सर, मैं 8 दिसंबर को यूक्रेन गया था एमबीबीएस की स्टडी के लिए, फर्स्ट ईयर। और हालात सर कुछ इस प्रकार थे कि काफ़ी डरावना माहौल रहा हमारे साथ, और फाइटर जेट हमारी हर वक्त ही लगा लीजिए 3-4 दिन से हमेशा हमारे ऊपर ही थे। ये हमें ये तक कंफर्म नहीं था कि ये यूक्रेन के फाइटर जेट हैं या रशिया के, बस ये था कि हाँ फाइटर जेट ऊपर हैं, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। और सर फिर हमें परसों से इवैक्यूएट कर रहे हैं, और कल हमें 9 बजे फ्लाइट में उतारा दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। हालात सर वहाँ कुछ ख़तरनाक ही थे, और हमारे साथ जो था बेसमेंट में हमें रहना पड़ा था 6 घंटे के लिए, वो बिना पानी और रोटी के और थे हम। ठीक था सर काफ़ी मतलब, लेकिन हमारे जो अमरीक सर थे उन्होंने और हमारे इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत जल्दी निकाल लिया। थैंक्स कहना चाहेंगे अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट को। अच्छा, एम्बेसी को लेकर के तमाम तरह की अफवाहें हैं, दावे और उनका आरोप है कि वहाँ से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, क्या इस आरोप में सच्चाई कुछ है? सच्चाई सर है, ऐसा नहीं कि सच्चाई नहीं है, क्योंकि कीव और खारकीव के पास जो है नेटवर्क भी कम है बच्चों के पास, लेकिन हमें निकाल लिया गया, एम्बेसी ने हमारा पूरा साथ दिया, और इंशाल्लाह जैसे हमें निकाल लिया गया ऐसे और बच्चे अपने घर पहुंच जाएंगे। जो भारत सरकार का ऑपरेशन है गंगा जिसके तहत भारत आपको लाया गया जी, इसको लेकर कुछ कहेंगे? सर ऑपरेशन गंगा चला तो हम अपने वतन आ गए, अपने घर आ गए, अपने माँ बाप के पास आ गए। अगर कोई ऑपरेशन ना किया जाता तो हम सर आज भी वहीं होते, और इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया हमें निकालने के लिए। बाकी छात्र जो फंसे उनको सर ये कहना चाहेंगे, हिम्मत ना हारें, इंडियन गवर्नमेंट आपके साथ है, भरोसा रखें इंडियन गवर्नमेंट पे, इंडियन एम्बेसी आपके साथ है, एयर इंडिया आपके लिए बिल्कुल तत्पर है हमेशा, चिंता ना करें। आपको भी जैसे मुझे निकाल लिया गया ऐसे ही आपको बहुत जल्द निकाला जाएगा।